बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला रोजगार कार्यालय द्वारा एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 450 से अधिक पदों के लिए साक्षात्कार लिए गए। साक्षात्कार के बाद करीब 80 अभ्यर्थियों को मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा अपने अपने जिले में निजी कंपनियों को आमंत्रित कर रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में लगभग हर माह अलग अलग सेक्टर की कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। बुधवार को 13 कंपनियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट और लैब टेक्नीशियन के करीब 450 जॉब उपलब्ध थे। इस रोजगार मेले में 200 से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया था। सभी कंपनियों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए। कुछ कंपनियों ने साक्षात्कार के बाद हाथों हाथ नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए। आज जो है जिला रोजगार कार्यालय इंदौर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में 13 कंपनियां सहभागिता कर रही हैं और अभी फिलहाल 200 से अधिक बच्चों का पंजीयन हो चुका है और बच्चों के भी लाइन लगी है और ये कार्रवाई हमारी बच्चे जब तक आते हैं कंपनी रहेगी सतत जारी रहेगी। ये हमारे यहाँ जो रोजगार मेले में 450 से अधिक रिक्तियाँ हैं और इसके लिए जो कंपनी आई है वो भर्ती की कार्रवाइयाँ करेगी। जी जी, अभी अपन इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो करीब 2500 से अधिक बच्चों को हमारे रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं और ये कार्रवाई अभी फिलहाल हमारी सतत जारी है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो जाएं, ये हमारी पूरी कोशिश है। ऐसे युवा जिन्हें इस रोजगार मेले में कंपनियों ने चयनित नहीं किया, उन्हें अगले मेले में अवसर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।